शुरू करते हाँ। उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू सारिआं नूं इस सत्संग दे विच बैठन दा इस सत्संग दा आनंद लैण दा मौका मिलिआ है, आओ सब तो पहला असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संघ की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, बहुत बहुत मुबारकबाद देवांगे। और ये दसते हैं कि काफ़ी सालों की इन्हों की एक भावना सी, इच्छा सी कि साढ़े घर भी कदों मालकां दा सत्संग होएगा, और कहिंदे सानू यकीन सी विश्वास सी कि वह भी टाइम आएगा। तो देखो अज वो टाइम आ गया कि किन्ने सालों के इंतजार तो बाद अज इस परिवार के विच सत्संग होने जा रहा है। सो इस तो पहला कि सत्संग की शुरुआत करिए आओ सारी संगत रल के इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार को खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, कामयाबी दे नाल भरपूर करन। आला हर पल इन वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होवे, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हों तरक्की देन और अपनी रहमत अपनी कृपा इस परिवार से इदा बना के रखन के कभी इन्हों बेनती करन दी मंगन दी जरूरत ही ना पवे। इन्हों दे रोजी रिज़्क च मालिक इन्नियां बरकतां देन और घर च हमेशा खुशियां दिंदे रहन, ताकि जिदा अज इन्होंने खुशियां नाल सत्संग करवाए है मालिक इन्नी ताकत देन इसी तरह खुशियां नाल सत्संग करवाते रहन, तो सानू सारिआं नू भी इसी तरह सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो और सत्संग नू अगे लैके चलीए, क्योंकि अज सत्संग का मतलब ही हुंदा है कि जिथे साडी तार नू उस मालिक दे नाल उस परमानंद नाल जोड़िया जावे ताकि साडे जीवन च भी आनंद आ सके। क्योंकि जे जीवन च खुशी चाहीदी है, जीवन च आनंद चाहीदा, सफलता चाहीदी है, तो फिर आनंद खुशी सफलता ये सारी कित्थे है? जरा सोच के देखो कित्थे है सुखां दा दाता, और जिथे है सुखां दा दाता उत्थे है साडियां सारियां खुशियां। और जिस वेले उस सुखां दे दाते नाल सानू अपना कनैक्शन अपनी तार जोड़नी आ गई तो फिर समझ लो साडे जीवन खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां, क्योंकि गल तां सारी तार दी है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जे तार जुड़ गई वो सच्चे रब दे नाल तां जिंदगी सफल है, तो जे उहदे नाल तार ही ना जुड़ी तो फिर इंसान की यह जिंदगी जिंदगी हुंदियां होइयां भी व्यर्थ चली जाती है, क्योंकि जीवन तो हुंदा ही है। पर अगर इस जीवन के अंदर असी अपने उस मालिक नाल जुड़ना पाए तो फिर साडा वो जीवन दुखां तकलीफां परेशानियां च ही गुजर जाता है। तो जिहड़ी जिंदगी उस मालिक नाल जुड़ के गुजरती है ना, फिर उही जिंदगी इंसान की सफल मनी जाती है, उही जिंदगी आनंदमय मनी जाती है, उसी जिंदगी च खुशियां आंदियां है। इसलिए अज असी यही सीखना है कि अपने मालिक दे नाल असी किस तरह जुड़ सकते हैं और अपने मालिक नाल जुड़न तो बाद साडी जिंदगी ते असर की पैंदा है। क्योंकि सब तो पहला तो यही गल समझ लीए कि जदों इंसान विश्वास नाल अपने मालिक नाल जुड़ जाता है तो उहदे जीवन ते प्रभाव की पैंदा है, जानना चाहते हो तुसीं? तो इत्थे मिसाल देवांगे, आ छोटी जिही बच्ची हुणी शब्द गा के गई ना जिहदा नाम मन्नत है, अजनोली तो ऊने दे नाल ही पैंदा अजनोली, हुणी तुहाडे सामने शब्द गा के गई। पिछले दिनां च इहदियां अखां दा ऑपरेशन सी, ऑपरेशन होया, तुसीं देखोगे हाले स्टिचिंग लगी हुई है, इत्थे टांके लगे हुए। सो ऑपरेशन सी इहदा, उस तो पहला ना डॉक्टर ने सिटी स्कैन करनी सी और सिटी स्कैन जिन्होंने कराई है उन्होंने पता है कि इदा की मशीन होंगी है जिद टक 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 की आवाज़ आती रहती है और 15-20 मिनट बंदे वो मशीन च लेटना पैंदा है। एक तो होंगे ना एक्सरे, लै भी इदा करवाया, सह रोको, चलो हो गया। पर जो स्कैन की जाती है ना, एक तो नॉर्मल स्कैन होंगी है जो कि पेट दे की जाती, एक सिटी स्कैन होंगी है जिहड़ी कि मशीन के अंदर बंदे 15-20 मिनट लेटना पैंदा है। कभी कराई किसी ने तुहाडे जो हाथ खड़ा करके दस्सियो किसी दी होई है तां अज तक? चलो काफ़ी है जिन्हां दी होई है, और जिन्हां दी होई है उन्हां नूं पता होएगा वो जदों मशीन के बंदा अंदर हुंदा है ना तो बड़ी डराणी जी गल हुंदी, उदों टक 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 दी आवाज़ हुंदी है, कीं कीं इदां दी आवाज़ां आउंदियां, बंदा उदी घबरा जावे। हुण कहिंदे जदों छोटी जी बच्ची नूं उह सिटी स्कैन वास्ते डॉक्टर ना अंदर लैके चले तां डॉक्टर ने माता पिता नूं कहा कि बच्ची डर ना जावे, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, 15-20 मिनट ना लेटना है, इसलिए इनू समझा दो। तो यहाँ पता बच्ची ने की किया डॉक्टर नू की किया?
ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ 15-20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਈ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਲੇਟੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਨਾ, ਜਬ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਡਰਨੇ ਕੀ। ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ, ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, 6 ਸਾਲ, ਹਾਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਔਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ, ਬੇਟਾ ਡਰੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਰਨਾ, ਬੇਟਾ ਰੋਈ ਨਾ, ਡਰੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਖੱਡ ਜਾਂ ਪੰਜੌਰ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਖੱਡ ਸੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ ਸੀ। ਕਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਲੀ ਜਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਆਏ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਲਕ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਜਾਊਂ, ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਊਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਲਈ ਵੀਂਗਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰੀਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ 5-star ਹੋਟਲ 'ਚ, ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਭਿੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ 5-star 'ਚ? ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਇੰਨਾ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5-star 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਧਾ, ਦੋਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਜਦੋਂ ਗਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਖੁੰਖਾਰ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਗੁਰਾਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਡਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਡਰੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੋਨੇ ਹੀ। ਦੋਸਤ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਭਿੜ ਜਾਊਂ,
पर नथू लाल ने की किया जब देखा कुत्ता अगे नूं आ रहा जोर ना धक्का दिता उन्हूं आप दौड़ गया उन्हूं कुत्ते वालू धक्का दे के आप दौड़ गया कुत्ते ने लत्तां फड़ लई अगला दिन होया पट्टियां पुट्टियां कीतियां क्योंकि जिथे जिथे कुत्ते ने दंदियां बढ़ियां सी इंजैक्शन लवा के बेचारा शाम नूं नथू लाल दे घर आया कहिंदा नथू लाल तू चंगी नहीं कीती तू तां कहिंदा सी तेरी खातर शेर नाल भिड़ जाऊं तेरी खातर जान भी दे दूं शेर नाल भी मैं भिड़ सकदा आ जान भी दे दूं और मैं तेन खुशी फाइव स्टार होटलों से खाना खिलाया कि मेरा दोस्त मैंने इन्ना प्यार करता और जो तो कुत्ता आया तू मैनू कुत्ते अगे धक्का दे के आप दौड़ गया ये किदा का तेरा प्यार तू तो कहते जिथे मर्जी अजमा लई नथू लाल कहता होर की है अज भी मैं कहता जिथे मर्जी अजमा लई नाले गल मैं शेर की की कुत्ते की नहीं जब शेर आएगा उधर भिड़ जाऊँ मैं चल नहीं तो हो जंगल चलीए चल ना उत्थे तेरी खातर शेर ना भिड़िया ना अपनी जान दे बाजी लाई फिर मैनू कहीं पर गल शेर की हुई सी कुत्ते की नहीं हुण जिहड़ा हुण जरा देखो जे दोस्त मूर्ख होवे तो फिर की कहे चल फिर शेर ना देख लेंदे पर हुण जिहड़ा समझदार होएगा वह भी मन्नेगा भाई जे तू कुत्ते अगे नहीं खड़ सकिया तो शेर अगे तू की खड़ना है बोलो समझते हो कि नहीं हुण कई इदां दे हुंदे ने जिहड़े ओह कोई नहीं मरन तो बाद तुहानू बचा लवांगे इत्थे दुख झालो इत्थे नहीं असीं कुछ कर सकते अगे तुहाडी रक्षा कर लवांगे ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਿੜੇਗਾ ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਵਰਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗੀ ਜਾਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਏਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ 'ਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ PGI ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੜਾ ਬੱਚਾ PGI ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਿਕਲ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਗੋਦ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬਸ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜੀਆ ਚੱਕ ਲਵੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸਹੀਗਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਸਤਸੰਗ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀਵ ਆਏ ਸੀ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਬੈਟ ਤੋਂ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਿ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਇੱਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬੱਚੀ ਆਈ ਦੌੜ ਕੇ ਗਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਬੱਚੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਖੜ ਸਕਦੀ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਸੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸੀਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਬਸ ਐਸਾ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਕੋਲ
हर मुश्किल का हल होवे। सो बच्ची जिन्हू डॉक्टर कहते चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, उन्हें दौड़ के दिखाया संगत में यही कि उही बच्ची है जिन्हू डॉक्टर कहते सी कभी पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, अज दौड़ रही है तुहाडे सामने, जिन्हू कहते डॉक्टर कहते बचना ही नहीं, अज देखो तुहाडे सामने। सो ये गल्लां क्यों दस रहे हैं कि असी जो दसिया कि उस मालिक नाल जुड़ के इंसान नू हासिल की हुंदा है, तो सब तो बड़ी गल तो इंसान नू हासिल ये हुंदा है कि जो असी अपने मालिक दे हो जाते हैं तो साडे अंदरों डर चिंतावां फिक्र खत्म हो जाते हैं, फिर बंदे नू डर नहीं रहिंदा किसी चीज़ का, फिर बंदे नू फिक्र नहीं रहिंदी कि फलाना कौन की कह रहा है, डॉक्टर डॉक्टर की कह रहे हैं, आंढ़ी गुआंढ़ी की कह रहे हैं, संसार की कह रहे हैं, उन्हें फिक्र होंदी नहीं है, बस वो तो देखता है कि फिर कहांगे ध्यान देना, वो ये नहीं देखता कि डॉक्टर की कह रहे हैं, आंढ़ी गुआंढ़ी या दुनिया की कह रही है, वो तो बस नज़र रखता कि मेरे मालिक की कहते हैं, मेरे मालिक की कह रहे हैं, क्योंकि पता है कि फकीर की जबान तो कहते ना साधु बोले सहज सुभाव साधु का बोला, जै एक शब्द भी अजकल बड़ा चलता है कि संतां दे वचन अटल हुंदे रब नूं वी मनणे, कि अगर उहदे नाल तार जुड़ी होवे, उहदे नाल इश्क दी डोर जोड़ी होवे, तां गुरबाणी भी कहिंदी मेरी बांधी भगत छुड़ावे बांधे भगत ना छुट्टे मोहे, इह इशारा है रब दे घर दा कि अगर कोई मेरा भगत मेरा प्यारा होवे ना तां मेरी बन्नी होई नूं खोल सकदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं, जिहदा इक श्री कृष्ण के जीवन की कहानी कई बार दसी दी, इत्थे भी हुण चली ना मेरी बांधी भगत छुड़ावे बांधे भगत ना छूटे मोहे, कहिंदे श्री कृष्ण ने बड़े बड़े बंधनों नूं तोड़ दिता, बोलो तोड़िया कि नहीं, बचपन च कंस की काल कोठनी तोड़ के, क्योंकि जो बाप ने सिर ते टोकरी च पा के ना सिर ते रखिया तां ताले अपने आप ही टुट गए दरवाजे खुल गए, ये कहदी ये वो प्रभु की कृपा सी, यमुना ने रस्ता दे दिता और बड़े बड़े बंधन तोड़े उन्होंने, पर जो मां ने ना कच्चे जे धागे ना बन दिता सी पेड़ दे नाल तां श्री कृष्ण खड़े रहे हैं बचपन से, तो बलराम ने कहा काना तोड़ के आ जा, तो उस वेले श्री कृष्ण कहते इन्हू नहीं मैं तोड़ सकता, क्योंकि ये बंधन प्रेम का बंधन है और प्रेम का बंधन चाहे कच्चे धागे का होवे इन्हू मैं तोड़ नहीं सकता, मैं बड़े तो बड़िया जंजीर तोड़ सकता हाँ, बड़े तो बड़े रस्से तोड़ सकता हाँ, मैं वो भी बंधन तोड़ सकता जिन्हों दस दस भी हाथी ना तोड़ सकन, क्योंकि हाथी नूं बड़ा बलशाली मनिया जाता है, पर जो प्रेम का बंधन आ जाए ना तो प्रेम का बंधन ऐसा है जिन्हों मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए प्यार की गल हुंदी है, यह मुहब्बत की गल हुंदी है, यह समझण की गल हुंदी है, कहिंदे ना बाबा फरीद एक दिन, बाबा फरीद एक दिन खेड रहे सी, जो खेड रहे सी तो मां ने उदी आवाज मारी के फरीद चल इबादत का समा हो गया इबादत कर, और फिर बच्चे का बचपन ध्यान खेल नाल ज़्यादा हुंदा है कि मैं जल्दी खेलां, तो बाबा फरीद ने सोचा कि माँ ने कहा है तो फटाफट खेल के चली जावां, पर जदों बैठे ना तो माँ ने आले दुआले एक चक्कर खिंच दिता दायरा खिंच दिता जिदा कच्ची जमीन के उपर लकड़ी के नाल एक लकीर खिंचती कि जब तक मैं नहीं मिटेंदी इस तो बाहर नहीं तू जा सकदा, कहिंदे कह के माँ कितने कम चली गई, फरीद की नमा जो इबादत सी पूरी हो गई, बच्चे इशारा कर रहे हैं आजा 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 मां है नहीं, पर बाबा फरीद तो टस तो मस नहीं हुए, कहते मां जब तक दायरा मिटांदी नहीं मैं नहीं बाहर आ सकता, मां की ममता मां का प्यार, असीं फिर कहांगे जिथे गल प्रेम की आ जाती ना, चाहे वह प्रेम मां बाप का होवे भैन भरावां का होवे पति पत्नी का होवे चाहे मुरशद का होवे या वह रब का होवे, जे प्रेम सच्चा है तो फिर इंसान सब कुछ तोड़ सकता पर अपने प्रेम का बंधन नहीं टुटन दिंदा, गल तो प्रेम की है, और जो यही प्रेम मुरशद या परमात्मा ना हो फिर जिदा दसिया कि जिदा जिदे नाल इंसान प्रेम करता ना अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी हैसीयत के मुताबिक वह कोशिश करता है कि मेरे प्यारा सदा सुखी रवे नूं कोई दुख ना आवे, हुंदा कि नहीं, अपनी हिम्मत के मुताबिक बंदा कोशिश करता है, तो जो ये प्रेम परमात्मा ना हुंदा है मुरशद के नाल हुंदा है तो फिर जरा सोचो कि फिर वह मुरशद या परमात्मा साडी खातर की कर सकते हैं, ताही तो कहा जाता ना कि जे लानी है तो उच्चिया ना लाइए, मैं नीवा मेरा मुरशद उच्चा उच्चिया दे संग लाई उच्चिया दे नाल लावांगे तो फिर निडरता दे नाल जीवन बितावांगे खुशी दे नाल जीवन बितावांगे, क्योंकि पता है कि जिस उच्चे नाल लाई है ना वो इन्ना समर्थ है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने से चला जावा जे वो मेरे नाल प्यार करता है मैं उहदे नाल प्यार करता तो कभी मेरा बाल भी उन्हें बींगा नहीं होण देना,
वो हर जगह मेरी संभाल करेगा, हर जगह मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि मेरी यारी उधर लगी हुई है। क्योंकि यार ही यार की मदद करता कि नहीं? ताही तो बुले शाह की गल याद दिलाना चाहवांगे। बुले शाह की कहिंदे है कि बेली बेली हर कोई आखे, मैं भी आखा बेली, पर उस बेले का बस मुरशद बेली जो चलसी जान अकेली। कहते दुनिया कहते बेली, बेली का मतलब होंदा दोस्त यार, कहते यार बेली सज्जन बेली, ये शायद पंजाबी का लफ्ज़ है बेली, चलो समझते हो कि नहीं। इसलिए कहते दोस्त दोस्त यार यार तो सारे ही कहते हैं कि आ मेरा यार, ओ मेरा यार, ओ मेरा दोस्त, ओ मेरा दोस्त, ओ मेरा मित्र, ओ मेरा मित्र। पर मैं नहीं कहना है मेरा मित्र, पर मैं हरेक नू नहीं कहना, मैं एको ही नहीं मानता हाँ, एको ही मेरा बेली। वो किहड़ा है बेली? बेली हर कोई आखे, मैं भी आखा, कहते मैं नहीं कहना है मेरा कोई बेली, है कोई मेरा मित्र, है कोई मेरा यार, है कोई मेरा ऐसा दोस्त, पर वो ऐसा है कि जिस वेले सारिया ने सज्जना मित्रा ने साथ छड़ जाना है तो मेरे बेली ने मेरे मित्र ने उत्थे भी मेरी बाह फड़नी है। जिथे कोई नहीं चलता मेरा बेली तो उत्थे भी नाल चलता है, मेरा यार तो उत्थे भी नाल चलता है। इसलिए किया जाता है कि यारी सोच समझ के लाइए। जिदा बड़ी प्यारी एक गल कही है मौलाना रूमी ने कि जे पानी नू दुध च पा देवांगे तो दुध हो जाएगा, जे शराब च पा देवांगे तो शराब हो जाएगा, जे जहर च पा देवांगे तो की हो जाएगा? आवाज नहीं आई, चलो दोबारा बोलना। जे पानी नू दुध च पा देवांगे तो की होना है? पानी ने की बन जाना है? दुध। हुण फर्ज करो बाल्टी दुध दी भरी, एक गिलास पानी का है, हुण तुसीं एक गिलास पानी दे नू बाल्टी या मटका दुध का भरिया उहदे च पा दिता तो फिर पानी रह जाना, वह उन्हें भी की बन जाना है? तो फिर एक पासे शराब का घड़ा पिया है, हुण पानी का गिलास शराब के घड़े पाता की बन गया? शराब। और एक पासे जहर पिया है, हुण पानी नू जहर दे विच पाता तो की बन गया? कहिंदे पानी उही है, उहनू जैसी संगत मिलनी है उहदी वैसी रंगत हो जानी है। हुण इह सोच समझ के तू भी स्टैप उठाना है। जिदा चणक्या ने बड़ी प्यारी गल कही है, चणक्या का पता ना तुहानू, बहुत बड़े विद्वान होए चणक्या। चणक्या कहिंदे है अपने एक ना लाइन दे विच बड़ा प्यारा कहा उन्होंने, चणक्या कहिंदे कि बुरो बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय, बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय अच्छे इंसान के साथ कांटों पर चलने में तुम्हारी भलाई है। वो कहिंदे तेरी भलाई कादे विच है? जे कोई बुरा इंसान पापी इंसान फूलों पर भी चल रहा होवे ना तो कभी फुल देख के उहदे नाल नाल ना चली, क्योंकि पापी बुरे इंसान ने तू चलेगा फुलां ते उह थोड़ी देर दा फुलां दा रस्ता, पर उहदी बुराई ने तेरे पूरे जीवन नू बर्बाद करके रख देना है, तेरा पूरा जीवन दुखां नाल भर देगा, क्योंकि बुरे इंसान की संगत करके तेरे अंदर बुराई। हुण कोयले नू हथ च लवांगे चाहे थोड़ी देर वास्ते लईए, पर कोयले की कालक तो हथ ते लग जानी कि नहीं? हुण बंदा कहे मैं थोड़ी देर वास्ते चक्किया सी, तू चाहे चक के रख ही दे उहदा निशान तो हत्ते कह दिओ पै जाणा कि नहीं? कहिंदे इसी तरह बुरे इंसान का संग तू थोड़ी देर वास्ते भी करेगा ना, फुलां का रस्ता है इधर, फुल ही फुल है, बड़ा नरम मुलायम रस्ता है, या फुलां दीआं सेजां है, फुलां दीआं सेजां होण फुलां का मार्ग होवे। पर अगर इंसान बुरा है तो कहिंदे वो बुरे इंसान दे नाल मार्ग चाहे फुलां नाल भरिया होवे कभी कदम ना वधाई, उहदा संग ना कभी करी। इसलिए बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय, जरा गौर करना, अच्छे इंसान के साथ कांटों पर चलने में तुम्हारी भलाई है। कहते जे अच्छा इंसान दुर्बर मार्ग से भी तुरिया हो जिथे कंडे होण, जिथे कंडे लगन का डर होवे, जिथे कंडे चुभण का भी डर होवे, पर जे इंसान अच्छा है तो उहदे नाल उह मार्ग से चल पई, क्योंकि कंडिया का रास्ता तो थोड़ा जहा होएगा, पर अगर उहदी अच्छाई तेरे अंदर आ गई तो तेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो समझ दिओ अपने, हुण इहनूं इदां समझ लो कि चंगे इंसान बुरे इंसान के नाल एसी विच बैठण नालों, बोलो समझ दिओ कि नहीं? चणक्या ने अपने समय च कहा सी, अज के समय मुताबिक कह दिंदे आ कि बुरे इंसान नाल ठंडे कमरे जिथे एसी चलते हैं उत्थे बैठण की बजाए अच्छे फकीरां दी सोबत विच, चाहे गर्मी च बैठना पवे वो अच्छी है, जिदा अज तुसी बैठे, चाहे जमीन ते ही बैठना पवे अच्छी है, क्योंकि जे फकीरां दे कोल
गर्मी च भी बैठांगे, धरती ते भी बैठांगे, कुछ अच्छे विचार लेके जावांगे, कुछ अच्छा ज्ञान लेके जावांगे। तो जे अच्छा ज्ञान साडे अंदर समा गया तो अज धरती ते बैठे हैं तो साडे इसे ज्ञान ने एक दिन सानू अर्श ते पजा देना है, ऊंचाई ते ले जाना है। पर बुरे इंसान दे नाल अज बैठे बिशद फुल्लां दीआं सेजां ते उच्ची जगह बैठे हाँ, पर जे उहदी बुराई साडे अंदर आ गई, कोई नशा साडे अंदर आ गया तो साडे उह नशे ने साडी उह बुराई ने सानू धरती ते रोल देना है। रोल जाते कि नहीं? कई देखे ना बड़े बड़े धनी बड़े बड़े अमीर अपनी बुरिया आदतों करके, बुरिया आदतों करके, नशिया करके, अपनी बुराइया करके अपना सब कुछ गुआ के दर दर के भिखारी बन जाते। देखे कि नहीं? इदा दे बंदा कहना पैसा बहुत सी पर जुए की बुरी आदत ने, शराब की बुरी आदत ने उदा सब कुछ उजाड़ दिता। और यह शराब की आदत कितों आती है? यह नशिया की आदत कितों आती है? जुए की आदत कितों आती है? यह माँ के पेट चो नहीं आती? कितने ना कितने बंदा जुआरी का संघ करता है, किसी शराबी का संघ करता है तो वह कहता भाई तू भी खेल लै, तू भी पी लै। तो जे वो मगर लग के जिदा दस एक बारी खेल लिया, एक घुट भी पी लिया तो इदा चस्का पै जाता है कि फिर इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती कि नहीं? हुण जरा सोचो अज बंदा देखे लै भी वह बुरा इंसान, वह जुआरी, वह शराबी, वह माड़ा इंसान उच्ची उच्चे फुलां की सेज ते बैठा है, मैं उहदे कोल बैठना है। पर फकीरां दे कोल गए तो गर्मी च बैठना पैना, धरती ते बैठना पैना है। पर हुण इत्थे फर्क देखो, धरती ते तुसीं किन्नी देर बैठोगे? जरा गौर करना। बंदा कहिंदा फकीरां दी सोभ च बैठा तो किन्नी देर? घंटा, दो घंटे। अगर घंटा दो घंटे सानू धरती ते बह के फकीरां दा ज्ञान मिल जावे, वह जिंदगी जीण दी कला मिल जावे, वह समझ मिल जावे, तो वह दो घंटे दे ज्ञान नाल साडा पूरा जीवन सफल हो सकता है, साडे पूरे जीवन च सानू खुशियां मिल सकदियां है। इसलिए समझदार इंसान ये नहीं देखता कि गर्मी है या सर्दी है, समझदार इंसान ये नहीं देखता कि धुप है या छां है, वो कहता गर्मी होवे सर्दी होवे धुप होवे छां होवे परवाही कोई नहीं, बस मेरे मुर्शद के चरण च थां होवे। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा इत्थे सानू अमीर खुसरो के जीवन का बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया, जिहड़े प्रेमी है ना उन्होंने समझ आएगी। अमीर खुसरो कहिंदे एक दिन बैठे हुए सी हजरत अमीर खुसरो अपने मुरशद दे कोल। मुरशद कौन सी अमीर खुसरो दे? हजरत निजामोद्दीन औलिया, जिन्हां दा दिल्ली में दरबार है, हजरत निजामोद्दीन औलिया बैठे हुए सी। निजामोद्दीन औलिया नाल उन्हें बहुत सेवक सी। तो उस वेले निजामोद्दीन औलिया ने एक सवाल पूछा सारियां नूं, कहिंदे दसो भी जिंदगी च सब तो जरूरी की है, जिंदगी खुशी नाल जीण वास्ते सब तो जरूरी की है? किसी ने किया कहिंदे एक चीज़ दसनी है। किसी ने कहा जी अखां दा होना बहुत जरूरी है, जे अखां ना होण तां जिंदगी धक्के खांदे गुजर जाती है। अखां यानी आई, साडियां आई अखां जिन्ना दुनिया देखते हैं। किसी ने कहा जी हत्थां दा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हाथ ना होण तां बंदा ना खा सकता है ना पा सकता है। किसी ने कहा जी पैरां दा होना बहुत जरूरी है, तो किसी ने कहा जी सिर दा होना बहुत जरूरी है, सिर ही ना होवे तो फिर काहदी जिंदगी। यानी अपने अपने मुताबिक सारे ने जवाब दिते। हज़रत अमीर खुसरो मुरशद वाल देख के मुस्कुरा रहे हैं। जदों मुस्कुरा रहे हज़रत अमीर खुसरो अपने मुरशद नूं देख के, तो उस वेले हज़रत अमीर खुसरो नूं पुछया निजामोद्दीन औलिया ने कि खुसरो तू मुस्कुराई जांदा, तू भी तो कोई जवाब दे कि खुशी नाल जिंदगी जीण वास्ते किस चीज़ का होना जरूरी है। तो उस वेले अमीर खुसरो ने एक शायर शेर के अंदर बड़ा प्यारा किया, कहिंदे जिंदगी जीने के लिए, जिदा उन्होंने पूछा जी कि चीज़ खुशियां नाल जिंदगी जीने वास्ते कि चीज़ जरूरी है, तो उसने उन्होंने कहा ना ये सर जरूरी है, ना ये सर जरूरी है, ना पाओ और ये हाथ जरूरी है, ना ये सर जरूरी है, ना पाओ और ये हाथ जरूरी है, खुशियों से जिंदगी जीने के लिए एक तेरा साथ जरूरी है। की फायदा? ना सर की जरूरत है, ना पैर, ना हाथों की जरूरत है। जे मुर्शिद पुछते हो कि खुशी नाल जिंदगी जीण वास्ते की जरूरी है, तो कई सिर भी हुंदा है, अखां भी हुंदियां है, हाथ पैर भी हुंदे, पर फिर भी किदां जिंदगी जींदे? हाए मेरे तो ज्यादा दुखी कोई है कि नहीं? हुण तुसीं देखो तुहाडे कोल सिर भी है ना, हाथ भी है, पैर भी है, अखां भी है, कन्न भी है, सब कुछ है कि नहीं? पर फिर भी की कहिंदे आ मैं तां मर गया, मेरी जिंदगी तां दुखां दा घर बणी है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। जे हुण बंदा सोचे कि खुशी नाल जिंदगी जीण वास्ते अखां जरूरी है, ठीक है अखां की अहमियत है, पर जिन्हां को अखां है वह कितने सुखी है?
जिन्हों को कन्न है वह कि सुखी है, जिन्हों को कह लो ना सही सलामत जिसम है कि सुखी है वह। इसलिए अमीर खुसरो ने गल ही सिरे की कर दी, वह कहते ना सर जरूरी है ना पाओ और ये हाथ जरूरी है, खुशियों से जिंदगी जीने के लिए एक तेरा साथ जरूरी है। कि जे खुशी नाल जिंदगी जीनी तो मुर्शद तेरा साथ चाहिए है, क्योंकि खुशी जिसम के अंगा नाल नहीं, खुशी दी साडे अंदर नाल जुड़ी हुई है, साडी सोच नाल साडी समझ नाल जुड़ी हुई है। और जो गुरु मिल जाता है, कामिल मुर्शद मिल जाता है, तो अन्ना बंदा भी भंगड़े पाता है, लंगड़ा बंदा भी भंगड़े पाता है। फिर तो जिदे अंग नहीं भी होंगे वह भी कहता है कि जिंदगी जीन का मजा आ गया, क्योंकि मुर्शद की साथ की अहमियत है, मुर्शद की रहमत है। और जिन्हें कोई मुर्शद है नहीं, कोई रस्ता दिखाने वाला है नहीं, वह तो फिर जिंदगी डर डर के किदा जींदे है, जिंदगी डर डर के चिंता विच फिकरां च जींदे है, हाय मेरा की बनूंगा, मेरा की होएगा। तो जिन्हें पता मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैं क्यों चिंता करा, मैं क्यों फिक्र करा, जेदे हो गए ना वो आपे मेरी संभाल करेगा। क्योंकि जिंदगी खुशियों से जीने के लिए एक तेरा, और कह दे हो तुसी भी साथ जरूरी है। नहीं तो आप सोच के देख लो, बहुत जीव इत्थे इदां दे बैठे होणगे कि जिंदगी तो पहला भी सी, पर जदों मालिक का साथ मिल गया तो जीवन च खुशियां आईयां कि नहीं, फिर जिंदगी जीण का आनंद आया कि नहीं। अच्छा किनू किनू आया, फिर थोड़ा पता लगे ना आया कि नहीं, उदे तो नहीं करी जाते कि क्योंकि पता लगता है कि अंग तो पहला भी सी, अखा भी सी, सिर भी सी, पैर भी सी, जीवन तो उही सी, पर माड़ी माड़ी गल ते टेंशन हो जाती सी, माड़ी माड़ी गल ते रोना शुरू कर देंदे सी, माड़ी गल हो जाती रात नूं नींद नहीं आती सी की बनेगा। पर जदों मालिक का साथ मिल गया, वह सत्संग दे वचन कन्नां च गए, अंदर इदां दा ज्ञान गया कि हुण हालात जिदां दे मर्जी हुण बेफिक्र होके सौं जाईदा है, कि चिंता काहदी, क्योंकि जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। कि जो अपने मालिक से भरोसा हो गया, अपने मालिक नाल प्यार हो गया, बंदा आराम नाल सौ जाता है कि मैनू काहदी फिक्र, जिहदे नाल लाइया है ना मैं आप ना लाइया वे सोहणिया लगियां, वो जोरों जोरी जिन्हें लग गई ना हुण आप ही संभाल भी करेगा, जिन्हें लग सकदियां है वो हर कदम से संभाल भी, पर लगी सही जगह होनी चाहिए है, गलत पासे ना लाई बैठे हो कि तार गलत पासे जोड़ी जावे तो कहना पखा नहीं चलता भाई, तार सही जगह ला करंट फिर ही आना है। इसलिए रब ना लाते हैं तो जीवन च खुशियां दी ठंडिया हवावां वगदियां है। तो जे ला के शराबियां कबाबियां ना बैठे होइए, जिदा हुण यार ही उन्होंने बना लीए जिहड़े नशे करन वाले जुआरी है, फिर तो रुलना ही है, बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए असीं दसिया है कि इंसान जिहदी सोबत करता है ना उहदा प्रभाव साडे जीवन ते पैंदा है। इसलिए फिर कहांगे कि बुरा इंसान चाहे फुल्लां दीआं सेजां ते बैठा होवे, कदी उहदे लागे ना बैठो, ये ना सोचो उच्ची सेज है फुल्लां दी सेज है, पर जे इंसान बुरा है तो फिर उहदे लागे ना बैठो। तो फकीर चाहे चिक्कड़ च बैठे होण, चिक्कड़ समझदे हो ना तुसीं, बेशक मीह पिया होवे मिट्टी गिल्ली होवे पानी खड़ा होवे, पर अगर रब दा फकीर कोई उत्थे बैठा होवे ना तो चिक्कड़ च दो घंटे चार घंटे बैठना मंजूर कर लियो, क्योंकि समझ लियो कि जे फकीरां दे कोल चिक्कड़ च बैठे हाँ तो चिक्कड़ विच ही कमल खिलदे है, समझदे हो कि नहीं। इत्थे ही साडे अंदर दे खुशियां दे कमल नूं साडे फकीरां ने मुर्शद ने खिलाना है, इस करके मुर्शद दे कोल चिक्कड़ च बैठना पसंद है, अच्छियां दे कोल चिक्कड़ विच बैठना कंडियां ते चलना पसंद है, पर बुरे दे नाल फुल्लां ते चलना मैनूं मंजूर नहीं है। ये तो कबीर साहब ने भी कहा है, कबीर संगत संत के रूखी सूखी खाए, खीर खंड भोजन मिले, खीर खंड भोजन मिले साकत संग न जाए। कबीर साहब कहते संतां दी संगत च बैठी चाहे रूखा सुखा ही खाना खाना पवे, भुखे भी रहना पवे कोई गल नहीं, और संतां दे कोल बह के भुखा भी रह ली कोई गल नहीं, पर खीर खंड भोजन मिले। पर जे किसी दे घर ना खीर बनी हुई है, पूड़ियां बनिया हुई है, 36 प्रकार के पकवान बने हुए हैं, पर बंदा बुरा है तो कहिंदे उहदे पकवानां नूं देख के बुरे दे कोल ना जाई। हुण श्री गुरु नानक देव जी कहानी याद है कि नहीं तुहानू, मलक भागो वर्गे ना सेठ सी, उहदे लंगरां नूं छड्ड के उहदे पकवानां नूं छड्ड के अपने प्यारे लालो दे घर चले गए, जिथे 2-3 दिन की रुखी बही रोटी खानी मंजूर कर ली, पर 36 प्रकार के पकवान नहीं खाधे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाधा, विदुर के घर का बिना लूण तो साग खा लिया, पर दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाधा। ये मिसाल है जिंदगी च
कि बुरिया के घर च भगवान भी मिलन तो हाथ भुखे मर जावे, मूंह नहीं लाना, हाथ नहीं लाना इनू। पर बुरिया की सोब च बह के जे रुखा भी मिल जाए, सुखा भी मिल जाए, एक पानी का घुट भी मिल जाए चंगिया की संगत में, वो एक घुट पानी का भी अमृत दे समान है, क्योंकि जिंदगी च खुशियां उन्हें लियानिया है। इसलिए फिर कहांगे कि बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय, ये चणक्या का वचन लिख लियो, कि बुरे इंसान के साथ फूलों पर चलने की बजाय अच्छे इंसान के साथ कांटों पर चलने में तुम्हारी भलाई है। कहते अपनी भलाई चाहता है, भलाई चाहते हो कि नहीं तुम? क्योंकि कोई इंसान इदा नहीं जो अपनी बुराई चाहता है, हूँ कई होंगे भी है जिन्होंने समझावे ना नशा छड़ दे, ले मेरी जिंदगी में जो मर्जी करा भाई, फिर तू बुरा चाहता तो करी जा बुरा, फिर जे तू आप ही कोठे तो छाल मार के लत मत लानी तो असं की कर सकते हैं? समझाया जा सकता है पर किसी ने जबरदस्ती, बोलो समझते हो कि नहीं? हुण तुसीं बच्चे नूं जबरदस्ती स्कूल तो भेज सकते हो पर जबरदस्ती पढ़ने ते मजबूर, सीखण ते मजबूर नहीं कर सकते। हुण तुहाडे कहण ते पहुंच गया बच्चा क्लास में, टीचर पढ़ावे तो बच्चा ऐ करी जावे, लै मैं नहीं पढ़ना, ठीक तो कोई नहीं मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं करना पाठ यार, तुसीं की कर लोगे उत्थे? तो जिहदे अंदर तड़फ हुंदी है कि मैं कुछ पढ़ना है, मैं कुछ करना है, फिर कोई उन्हें स्कूल तो बाहर भी धक्का मारे ना अंबेडकर वर्गियां नूं। देखो अंबेडकर जी नूं टीचर स्कूल तो बाहर धक्का देंदे सी ना, वह बाहर स्कूल दे बाहर बह के पढ़ते सी क्योंकि अंदर शौक सी कि मैं कुछ हासिल करना है। हुण कई हुंदे है जिन्होंने हासिल ना करना होवे, उन्हां नूं सत्संग च बिठा भी दो ना तो भी वह मोबाइल पर लगे रहेंगे, ध्यान इधर उधर रखेंगे। तो जिन्होंने हासिल करना होवे, जिन्होंने नहीं हासिल करना वह सत्संग च बह के भी नहीं ध्यान जोड़ते। तो जिन्होंने हासिल करना होवे पता कई बार की करते हैं कि वह आप किन्ने किलोमीटर दूर बैठे होंगे तो अपने यार दोस्तों को कहते यार फोन पर कॉल ऑन कर दें ताकि जे मैं आ नहीं सका दूर बैठे ही सत्संग सुन लव। जिन्हें अंदर शौक होंदा है वह दूर बैठे भी सत्संग नाल जुड़ते हैं, तो जिन्हें अंदर शौक ही नहीं होंदा वह कोल बैठ के भी खेलों वाली ध्यान रखते होंगे कि नहीं? हुण तुसीं कहना चो चैक कर लो अपने आप को, बोलो समझते हो कि नहीं? तो ही असं कही दा कि थोड़ी देर वास्ते अखा बंद करके चैक करो कि मेरी दिनचर्या या मेरिया आदत मैनू खुशियां वल लैके जाण वालियां है, कामयाबी वल लैके जाण वालियां है, अच्छी सेहत वल लैके जाण वालियां है, मालक की रहमत वल लैके जाण वालियां है, या मेरी दिनचर्या मेरी आदत मैनू बीमारी वल दुखों वल परेशानियों वल मेरे मालक की रहमत तो दूर लैके जाण वालियां है। अपने आप नू सोचो, दिनचर्या का मतलब समझते हो ना कि पूरे दिन च असीं जो करते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, कि मेरिया ये आदत मैनू रब के नेड़े लैके जाण वालियां है, मैनू तंदुरुस्त करन वालियां है, मैनू खुशी देन वालियां, सफलता देन वालियां है, या मैनू असफल करन वालियां, मैनू दुख देन वालियां है, या मैनू बर्बादी की तरफ लैके जाण वालियां है। क्योंकि इंसान अपने दिन दियां आदतां नू चैक करके अपने जीवन का अपने भविष्य का पता लगा सकता है कि जे अज मेरिया जो आदतां आ इन्हां आदतां नाल कल नू जो मैनू फल मिलना है ना वो अज ही तुसीं चैक कर सकते हो, बोलो समझदे हो कि नहीं? अगर अज तुसी बुरा खान पान रखते हो तो भविष्य की होएगा? बीमारी। अगर अज तुसी खान पान नू सुधार लैंदे हो, बुरियां चीज़ां का त्याग कर देंदे हो, माड़ियां चीज़ां का त्याग कर देंदे हो, तो रिजल्ट की निकलेगा? भविष्य की होएगा? तंदुरुस्ती। अगर अज तुसी पढ़ना बंद कर देंदे हो, मेहनत करनी बंद कर देंदे हो, तो भविष्य की निकलेगा? बर्बादी। अज तुसी मेहनत करनी शुरू कर देंदे हो तो भविष्य की होएगा? तुहाडी जिंदगी खुशियां हुंदी चली जाएगी, कामयाबी मिलती चली जाएगी, बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा समझ लो तुहाडे सामने पहाड़ है, हुण एक बंदा कहिंदा मेरे तो नहीं चढ़ होना, मैं नहीं चढ़ सकता, मैं नहीं कोशिश करनी, इहदा भविष्य की है? यह कदी सिखर तक कह दिओ पहुँच सकता है? क्योंकि जिहड़ा तलहटी च यानी पहाड़ के कोल खड़ के बड़ा उच्चा, भाई मेरे तो नहीं चढ़ होना, मैं नहीं चढ़ सकता, मेरे च इन्नी ताकत है नहीं, मैं नहीं कर सकता, तो तुसीं उहदी भविष्यवाणी कर सकते हो कि यह कदी सिखर तक नहीं पहुँचेगा। एक दूजा इंसान है जिहड़ा उचाई नूं देखदा है और देख के की कहिंदा है, होवे पहाड़ जिन्ना मर्जी उच्चा, होवे इहदी उचाई जिन्नी मर्जी उच्ची, पर मेरे हौसलिया तो मेरी हिम्मत तो बड़ा नहीं हो सकता, मैं चढ़ के दिखाओ कह के वह कदम वधा दिंदा है। तो तुसीं इहदी गरंटी दे सकते हो भाई ये शाम तक या कल सवेर तक पहुँच जाएगा, क्योंकि मंजिल जिड्डी मर्जी दूर होवे मिलदी उहनां नूं है जिहड़े हिम्मत दे नाल साहस नाल कदम वधांदे है। तो मंजिल चाहे सामने ही होवे
ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਢਾ ਕੇ ਢੇਰੀ ਢਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਦੁੱਧ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ, ਜ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਜਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 10-10, 11-11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਬੀਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 100 ਰੋਗ ਲਾ ਦੇਣੇ, 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਫਿੱਟ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੁਰੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਸੇ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੇਰੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਾ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਓ ਔਰ ਜੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਓ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਗ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਯੂਰਨ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੈਟਰਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ? ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਲਾਠੀ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਵੇ, ਬਲਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤਿਆਰ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮਨ, ਬਾਣੀ, ਇੰਦਰੀਓ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਔਰ ਦਿਆਲੂ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
बोलो समझते हो अपनी, कहते ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन वाणी इंद्रियों की पवित्रता और दयालु हृदय का होना जरूरी है। तीन गुण दसे उन्होंने श्री कृष्ण ने कि जे तुसी ईश्वर नु पाना चाहते हो तो तुहाडी वाणी, तुहाडा मन, मन यानी विचार और तुहाडियां इंद्रियां ये पवित्र होनी चाहिए। और तीजी चीज दयालु हृदय, बोलो समझ दियो अगले, वो कहते दयालु हृदय ये जिहदे अंदर गुण है ना उन्हें परमात्मा जरूर मिलता है। इसलिए चेक करो कि पहला क्या वाणी की पवित्रता, वाणी की पवित्रता की है कि अपनी जुबान तो कभी कोई बुरा ना बोलो। बंदा देखिया माड़ी माड़ी गल से निंदा कर दिता है, चुगली कर दिता, मजाक में किसी इदा के बोल बोल दिता है कि मैं तो मजाक किया पर अगले दिल तोड़ के रख दिता मजाक, अगले इदा चुभता है जिदा कोई तलवार लैके ना किसी शरीर को चीर दे, गल्ला इदा दिया करता कि बंदा कहता दिल चीर के रख दिता, तो बाद चो मैं तो मजाक किया। कहते अपनी जुबान को पवित्रता लिया, तेरी जुबान तो जब भी कोई बोल निकले तो मिठा निकले, अच्छा निकले, प्यारा निकले, इसलिए वाणी की पवित्रता। इसलिए अज तो यह सोचो कि मैं मजाक में भी किसी नाल बुरा शब्द नहीं बोलना, किसी को कोई इदा की गल नहीं कहनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को बुरा नहीं बोलना, ना मैं किसी बारे बुरा बोलना ना अपने बारे बुरा बोलना। क्योंकि कई बार बंदा ना अपने बारे बड़ा बुरा बोलता रहता है, मैं इदा आ, मैं उदा आ, मैं तो आ नहीं होना, मैं तो वह नहीं होना, नहीं इतने भी पवित्रता लियाओ कि मैनू भी मेरे मालिक ने बनाया है तो यह सबनों मेरे मालिक ने बनाया है, और जिसनों भी मेरे मालिक ने बनाया वह कभी किसी व्यर्थ नहीं बनाता, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। तो जे उन्हें बनाया है और मेरे रब ने जे सबनों बनाया है तो मैं कौन हों वो बनाई चीज कमियां लभण वाला, मैं कौन हों वो बनाई चीज की निंदा करने वाला। क्योंकि जो तुम किसी की निंदा कर दो बुरा वो इदा आ, तुम समझ लो बंदे की नहीं रब की निंदा कर रहे हो, क्योंकि बनाया तो उन्होंने। हुण तुसी चाह का कप बना दिओ, कोई रोटी बना दिओ, दाल बना दिओ, कोई दाल की निंदा करो, दाल किदां दी बनाई है, स्वाद है नहीं, ये दाल की निंदा नहीं हो रही, ये दाल बनाने वाले की निंदा हो रही है कि उन्होंने बनानी नहीं आती। बोलो समझ दिओ अपनी, क्योंकि दाल कोई अपने आप नहीं बन जाती, बंदा भी कोई अपने आप नहीं बन जाता। इसलिए कभी किसी की निंदा ना करो, कोई होवे बुरा भाई वो तो बुरा है, तू बुरिया गल्लां करके आप क्यों बुरा बन रहा, समझ दिओ अपनी। जो बंदा कहता ना वो फलाना बुरा वो घर घर निंदा करता है तो भाई वो तो बुराई कर रहा है, हुण तू वो बारे बुरा बोल के आप भी बुरा बन गया। इसलिए इन्ना चंगा तू अच्छा बोल, क्योंकि वो करनी वो नाल है, तेरी करनी तेरे नाल है। जे कोई दूजा जहर लैके जा रहा है तो तेरे हाथ च अमृत है, तो वो हाथ च जहर देख के तू अपने अमृत को कहते जहरीला बना लगा, उन्होंने अपना काम कर दे, तू अपना काम कर, वह बुरा कर दो बुरा फल पाएगा, तू अच्छा कर, क्योंकि जैसी करनी उन्होंने वो की फल मिलना, तेन तेरी की फल मिलना। इसलिए अपनी वाणी की पवित्रता लियाओ, वाणी तो पवित्र वचन बोलो, अच्छे वचन बोलो, खुशी के वचन बोलो, इदा के वचन बोलो जिन्हें दूजे को हिम्मत मिले, दूजे को हौसला मिले, दूजे अंदर विश्वास पैदा हो। बोलो समझ दो इदा के वचन बोलने। कहते बहुत बड़े डॉक्टर होए हैं, एमल कुएं उन्होंने नाम से, वो कहते कि ईश्वर का विश्वास 90% रोगों को ठीक कर सकता है। वो एक इदा दी कहते ईश्वर का विश्वास एक ऐसी चमत्कारी गोली है जिहड़ा 90% रोगियों को ठीक कर सकता है। पर कहते हैरानी की गल है, इनू ना ही कोई खाण का चाहवान है, ना ही किसी को खिलाण का चाहवान। ये डॉक्टर एमल कुएं का वचन है, बहुत बड़ा डॉक्टर होया जिन्हें अपने शब्दों के विश्वास के जरिए ही ईश्वर से इन्ना विश्वास ही, रोगी को कहते महसूस कर तू ठीक हो रहा, बिना दवाई तो बंदा ठीक हो जाता, इन्हना गॉड पर यकीन से, जरा समझना। इसलिए उन्होंने गल बड़ी प्यारी है, वो कहते रब से विश्वास, ईश्वर से विश्वास एक ऐसी चमत्कारी गोली है, गोली खाते ना अभी कैप्सूल जहाँ गोली, कहते ऐसी चमत्कारी गोली है कि 90% रोगी ये ही ठीक हो सकते हैं। पर हैरानी की गल तो यह है, इनू ना कोई खाण पर यकीन करता है, ना खिलाण पर, ना ही बंदा खुद खाता है, ना ही दूजे को खिलाता है। कहने का मतलब तुहाडे 90% रोग रब से विश्वास करने वाले ठीक हो सकते हैं, पर कहते गल यही है कि ना कोई रब से विश्वास खुद करता है तो ना कोई दूजे को सिखाता कि रब से विश्वास कर। आप ही बंदा शंका च फसया रहा
ਤਾਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ। ਖੁਦ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੰਤਿਤ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 90% ਰੋਗੀ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰੀ ਗੋਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ ਗੋਲੀ, ਅੱਡੋ ਮੂੰਹ ਆ ਲਓ, ਖਾ ਲਓ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡ੍ਰੋਪ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ। ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬੂੰਦ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ, ਜੇ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਪਿਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, 8 ਤਰੀਕ ਦੀ 11ਵੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣੀਆਂ, 2 ਬੂੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇ ਨਾਮ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਮਲ ਕੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ, ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਰਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੂੰਦਾਂ ਪੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਖ, ਹੱਸਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਇਹ ਹੱਸੋ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਇਹ ਬੂੰਦਾਂ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੋਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਬੂਸਟਰ ਪੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਟੋਏ ਤਾਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂ ਟੋਏ ਪੀ ਲਓ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬੂਸਟਰ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜੇ ਫਿਰੋਗੇ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਐਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆਪ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਜੀਵ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਰਹਿਮਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅੰਧੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਆਹ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਈ, ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲੈ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੂਰਖਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸੂਰਜ ਤਾਂ, ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਆਪਣੀ ਯਕੀਨ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੋ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਣੀ
मन इंद्रियों की पवित्रता और दयालु हिरदे का होना जरूरी है। कहते रब नू पाना ना बाणी की पवित्रता लियाओ। जिदा दसिया जवान तो हमेशा पॉजिटिव बचन बोलो, चंगे बचन बोलो, दूजियां नू हिम्मत दियो, आप भी हिम्मत रखो, दूजियां नू हौसला दियो, आप भी हौसला रखो, ना आप डरो ना दूजियां नू डराओ, बल्कि आप भी बहादुर बनो, दूजियां नू भी बहादुर बनाओ। समझ गए कि नहीं? और दूजी गल उन्होंने कही मन और इंद्रियों की पवित्रता। कहते मन और इंद्रियां भी पवित्र चाहिए, मन के विचार भी पवित्र होने चाहिए, कि मन अंदर एवं ना बुरा ही सोची जाइए। हुण कई बार बंदा कहता बोलना बुरा नहीं पर सोचना वह बुरा ही है। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि एक बंदा कहता तेरी लत टुट जाए, नहीं मालका ने कहा बाणी पवित्र रखनी है, बोलना नहीं, हुण मन च सोचना लत टुट जाए। यह तो मन च भी नहीं बुरा सोचना भाई, क्योंकि ये नहीं कि जवान तो कुछ ना बोलो तो मन अंदर बुरे ख्याल, मन अंदर गाल ही कढ़ी जाओ किसी को। जिदा तोते वाली गल सुनी कि नहीं नथू लाल की? कहते एक नथू लाल ना एक दिन एक बाजार च ही गया, दुकानदार ने तोता टंगिया होया सी अपनी दुकान के बाहर पिंजरे च, बोलन वाला तोता, नथू लाल कोल दी लंघिया तो उन्हें देखिया तोता बड़ा सोहना, खड़ के तोते नू देखण लग पिया। जदों तोते नू देखिया तो तोते नू गुस्सा आ गया, ये मेरे वाल किदां देख रहा? तो तोते ने गुस्से च गया, ओए पागला मूर्खा की अखा पाड़ पाड़ मेरे वाल बिटर बिटर देखण लगा, चल निकल जाए इतों, बंदर वर्गी बूथी वाले निकल इतों। नथू लाल नू बड़ा गुस्सा आया, बंदर बूथी कहता किदां दे बचन बोले तोते ने, गुस्सा आ गया। कहिंदे गया दुकान दे मालिक कोल, कहिंदा महाराज यार तुहाडा तोता नू बोलना सिखाओ, मैनू गला कढ़दा है। मालिक ने कहा अच्छा बड़ा बदतमीज तोता, हुणे ठीक करदा इहनू। उहनां तोते दा पिंजरा फड़िया जोर नाल हलाया कीता, चलो तोता विच हिलिया, तोता कहिंदा माफ कर दो मुड़ के नहीं करदा। मालिक कहिंदा खबरदार, दुबारा पिंजरा टंग दित्ता। नथू लाल कहिंदा आई अकल, नथू लाल अगे चला गया। हुण घंटे दो घंटे बाद कम करके जदों वापस आ रहा सी ना, उसी दुकान वरी फिर गुजरना सी। नथू लाल ने कहा हुण देखा हुण तो नहीं कोई बोलता, खड़ के ना फिर देखण लग पिया। तोते ने देखे नथू लाल वल, इउं नीवी कीती, फिर देख के तोता हसया। और जो नथू लाल तुरन लगा ना, तोता कहिंदा समझदा तू गया ही होना, बोल तां सकदा नहीं, दिल च मैं कह दिता, समझदा तू गया ही होना। नथू लाल कहिंदा की करिए, चुंझ रोक लवांगे पर मन नूं किदां रोकां। इदां कई वार हुंदा है ना कि बंदा कोई जांदा होवे तुसीं बोल देवो अगला गल पै जांदा है। हुण कहिंदे बोलना नहीं पर मन च तां कह ही देना, वह जा रहा बंदा बुरा बंदा, वह जा रहा कमीना, वह जा रहा गलत बंदा, मन च कहना की है। पर इतने श्री कृष्ण कहते मन भी पवित्र होना चाहिए, ना जवान तो किसी बुरा बोलो तो ना मन च किसी वास्ते बुरा कह दो। हम ये चीज़ से कंट्रोल करना थोड़ा औखा हो जाता है, क्योंकि मन तो हमेशा कभी कोई टेंशन कभी कोई चिंता, नैगेटिविटी बड़ी जल्दी मन ले आता है। जिन्ना मर्जी गुरु रहबर समझाते कि रब नाल है, रब राखा है, फिक्र ना करो, पर फिर भी मन बड़ी जल्दी डर जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते मन अंदर कभी नैगेटिविटी ना आन दो, मन हमेशा पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव का मतलब अच्छा सोचो, अपने विचार पवित्र रखो। जे जीवन च मुश्किल है तो विचार रखो कि मैनू यकीन है अपने मालिक ते एक दिन सब कुछ अच्छा। अज गर्मी है तो सर्दी भी, अज रात है तो दिन भी, इहनू कहिंदे पॉजिटिव विचार। आस रखनी, उम्मीद रखनी, विश्वास रखना कि मेरे दुखों का अंत होएगा, मैनू कामयाबी मिलेगी, मेरे जीवन च खुशियां आनगियां, एक पवित्र विचार है। और मैनू कभी खुशी नहीं मिलनी, मैनू कभी कामयाबी नहीं मिलनी, मेरे जीवन च कभी खुशियां नहीं आनियां, आ मेरे बच्चों ने कभी नहीं सुधरना, आ मेरे काम नहीं कभी चलने, ये तुहाडे अपवित्र विचार है, इन्होंने सदा तुहानू दुख ही देने। कभी अपवित्र विचार ना रखो, पवित्र रखो। अज कोई बुरा भी है ना, मैनू यकीन है एक दिन अच्छा होएगा। अज समय बुरा है तो एक दिन अच्छा होएगा, क्योंकि बुरा समय तो अवतारा पीरा पैगंबरा ते भी आया, आया कि नहीं? राम नू भी 14 साल का बनवास भोगना पै गया, श्री कृष्ण नू किन्ने दुख झलने पे, पर उन्होंने कभी निराश होकर हार मन के उदास होकर हार के नहीं बैठे, बल्कि वो विश्वास ना कदम बढ़ाते गए, मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाते गए, क्योंकि उन्होंने पता है कि अज दुख है तो कलू खुशी भी आएगी। तो तुम क्यों नहीं यकीन रखते? आज दिन माड़े है तो कल को अच्छे भी आएंगे, आएंगे कि नहीं? यकीन है ना? अच्छा किनू किनू यकीन है? बस भी आन के पक्का लिख के ले लो, साढ़े को गरंटी ले लो साढ़े को, ये नहीं यकीन तो अं लिख के देने तैयार। बस विश्वास रखो अपने मालिक पर, अच्छे दिन आएंगे, खुशियां आएंगियां, कामयाबी आएगी। इसलिए अपने मन को पवित्र रखो, अपनी इंद्रियां को पवित्र रखो। इंद्रियां का मतलब है ऐसी मूँह बोलना, अखा ना देखना, कन्ना सुनना, ये इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां। कहते इन्हां नाल भी
कोशिश करो अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए, क्योंकि हत्थां नाल तुसीं बुरा भी कर सकते हो और अच्छा भी। इन्हां हत्थां नाल तुसीं दान पुन किसी का भला भी कर सकते हो, इन्हां हत्थां नाल किसी का हक भी, किसी का पैसा भी खो सकते हो, किसी जेब भी कट सकते हो, किसी का घर भी लुट सकते हो, तो किसी भुखे नूं खाना भी, किसी प्यासे नूं पानी भी, किसी की मदद भी कर सकते हो, दान पुन भी कर सकते हो। वो कहिंदे इन्हां इंद्रियां नाल पवित्रता करनी है, हत्थां नाल अच्छा करना, पैरां नाल अच्छे पासे चल के जाना है, कन्नां नाल अच्छा सुनना है, अखां नाल अच्छा देखना है, मूँह नाल अच्छा बोलना है, खाना भी अच्छा है, क्योंकि खाण पीण विच भी ना कुछ अपवित्र होंगे कुछ पवित्र होंगे, बोलो समझदे हो कि नहीं। वो चीज़ करो जो सानू पवित्रता या कह लो परमात्मा दे नेड़े लै जाओ। इसलिए वाणी नू पवित्र रखो, सोच नू पवित्र रखो और अपनी इंद्रियां नू भी अच्छे पासे लाइए। और फिर अगली चीज़ की कही, दयालु हिरदे की जरूरत है। कहिंदे ईश्वर नू पाण लई बाणी मन इंद्रियों की पवित्रता और दयालु हिरदे की जरूरत है। ये चीज़ों की जरूरत है फिर ही असीं उन्हूं पा सकते हैं। जो बंदा कहता मेरा पासपोर्ट है नहीं, तो वह कहें भाई आधार कार्ड चाहिए है, आह कार्ड चाहिए, आह कार्ड चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए फिर पासपोर्ट मिलना तेन। वो ईश्वर भी कहता है कि जे हूँ इन समझ लो एक अपना डॉक्यूमेंट ही बनाना हो ना, उत्थे भी जो सरकारी दफ्तर की जरूरत होंगी सारे पेपर सबमिट कराते फिर ही चीज़ मिलती है। इसी तरह ईश्वर को पाने वास्ते भी श्री कृष्ण दस रहे कि यह गुणा की जरूरत है, फिर ही तेन ईश्वर मिलेगा। जे तेरा हिरदा ही कठोर है, तेरे अंदर दया नहीं है, करुणा नहीं है, दूजे ना नफरत भरी हुई है, तो तू कभी भी ईश्वर नू पा नहीं सकता। फिर बेशक माला लेके बैठा रहे, बेशक तीर्थां दे चक्कर लाई जाए, इदां रब नहीं मिलना। अगर ये गुण तेरे अंदर आ गए तो फिर परमात्मा अपने आप ही तेरे तक आएगा। इसलिए आओ ये गुण अपने अंदर पैदा करिए। सो समझाण नू बहुत कुछ है पर हुण समा काफ़ी हो गया है। इस आखिरले वचना च यही कहांगे कि अपने अंदर अच्छाई पैदा करिए, अपने अंदर विश्वास पैदा करिए। ये खुशियां ना जिंदगी जीनी है तो फिर कहांगे खुशियों से जिंदगी जीने के लिए एक तेरा, बस वो कर्म करो कि उहदा साथ मिल जाए, वो बाँह फड़ लवे, फिर कभी भी बाँह ना छड़े, इदां दे बन के रहना है ऐसे, क्योंकि करनी आपो अपनी कह नेड़े, जो करनी सानू उहदे नाल जोड़दी भी है तो साडी करनी सानू उत्तों, इसलिए करनी की फिक्र करनी है कि साडी करनी ऐसी होवे कि अपने मालिक नाल जुड़दे चले जाइए। ये जिहड़ियां दूरियां होर भी नेड़ता च बदल दियां जाण, ये ना हो कि जिन्ने के नेड़े अपनी गलतियां ना होर दूर हो जाएगी, बोलो समझ दिओ कि। बाकी जिहड़ा उस मालिक का हो गया अपने मालिक पर विश्वास रखता है फिर वो मालिक इत्थे भी उत्थे भी हिफाजत करते हैं, क्योंकि फिर कहांगे कि जिस वे उस वेले का बस मुरशद बेली जदों चलसी जान, क्योंकि मुरशद ने उत्थे भी बाँह फड़नी है जिथे किसी ने साडा साथ नहीं देना। इसलिए अपने मुरशद दे नाल, यानी कहन दा मतलब सच्चे गुरु रहबर फकीरां दे नाल जुड़िए, जिहड़े इत्थे भी सानू दुखां तों बचाण तां उत्थे भी बचाण। उह नत्थू लाल वर्गे ना होण कि कोई नहीं शेर नाल लड़ जावांगे पर कुत्ते नूं देख के भी धक्का दे के दौड़ जाण कि लै वी इह तां तेरे कर्म है तैनूं भोगणे ही पैणे है, नहीं कर्म बदलना ही तां फकीरां दा कह दिओ कम हुंदा है। इसलिए कम भी कर्म भी बदल जांदे है पर उह कम बदल कर्म बदलण वाली ताकत अगे चाहीदी है, बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखो, यकीन रखो, फिर कहांगे जी अज जीवन च कोई दुख है परेशानी है तो ऐसी हिम्मत नहीं हारनी, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने मालिक दे विश्वास रखना है कि मेरा हर दुख दूर होएगा क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरी झोली खुशियां ना जरूर भरेगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरे जीवन च सुख समृद्धि जरूर आएगी क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरे जीवन च खुशी दियां बरसातां जरूर होणगियां क्योंकि मेरा मालिक मेरे। हुण कह दईए फिर मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत, मैं बहुत, मैं बहुत सच्ची खुश हो, हंस के दिखाओ। चलो मालिक इदां ही तुहानूं खुशियां देण, तंदुरुस्ती देण, तुहाडे जीवन च जीवन दे विच खुशी आनंद बनी रहे और मालिक तुहानूं कामयाबी सफलता नाल भरपूर करन। आने वाला हर पल तुहाडे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होवे, दिन दुगणी रात चौगणी तरक्की मालिक तुहानूं देवे, तुहाडे दिलां च इन्ना प्यार इन्ना विश्वास पैदा हो जाए
कि दुखा तकलीफा का कोई डर कोई चिंता ना तुहाडे अंदर रहे और तुसी अपना जीवन आनंद नाल खुशी नाल प्यार नाल जी के सफल बना के जाओ। अपनी रहमत हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखे, यही साडी उस मालिक के चरण ते अरदास बेनती है। और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।